हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटॉर्शन करने के अलग अलग तरीके हैं, उससे आपको निकलना कैसे और आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और झूठी डिमांड करने वाले झूठे मुकदमे लिखाने वाली महिलाओं के विरुद्ध 376 के जो झूठे मुकदमे लिखाती हैं आपके विरुद्ध, आपका पूरा कैरियर, समाज, सोसाइटी सब कुछ चौपट कर देने वाली महिलाओं के विरुद्ध आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, आज उसी पर मैं आपको बात करूंगा। और एक तरीका जो वो लोग अपना रहे हैं आजकल, और आप लोग इस चीज़ को जानते हुए भी कि वो आपके साथ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, आप उसे नेगलेक्ट कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आप अपनी बेल में, FIR क्वेशिंग में, आप चार्जशीट क्वेशिंग में या डिस्चार्ज एप्लीकेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या तरीका है और वो क्या स्टेप उठा रही हैं जिससे वो खुद फंसती नजर आ रही हैं, आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक अनुरोध यही है आपसे कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, आप पहले अपनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के थ्रू बुक कराएं, उसके बाद अपनी बातचीत आप मुझसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सब जानते हैं कि 376 का मुकदमा जो होता है ज़्यादातर आज की डेट में फर्जी लिखाया जा रहा है, आपसे पैसे की डिमांड करी जाती है, आपसे अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट मांगा जाता है कि इतना पैसा आप दे दो तो हम 164 का स्टेटमेंट नहीं देंगे FIR के बाद, या चीफ में बदल जाएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, बेल में हेल्प कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में वो लोग कुछ करते नहीं है, और कुछ तो यहाँ पर इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि वो आप जेल में बंद हो, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जेल में आपको प्रताड़ित करेंगी, जाके जेल में आपसे मिलने जाएंगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके विरुद्ध उसने झूठे मुकदमे लिखाए हैं तो वो आपकी दुश्मन हो गई है, वो आपका हित कभी नहीं कर सकती, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर उसको पता है कि उस किसी व्यक्ति ने उसके साथ ही बलात्कार किया हुआ है, उसके द्वारा ही उसका बलात्कार किया गया है, जैसा कि वो कह रही है अपने वर्जन में, उसी की वजह से वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या करना है। वो महिला जान रही है कि वो व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है, एक्चुअल में उसने उसके साथ अपराध किया है, अगर वो सत्य है तो उसको जेल में उस व्यक्ति से मिलने जाने की जरूरत क्या है, आखिरकार वो जेल में उस व्यक्ति से मिलने क्यों जाएगी। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर आप बेल में आ रहे हैं और आप जेल में बंद हैं, आपके ऊपर 376 के एलिगेशन जिस महिला ने लगाए हैं वही महिला आपसे बार बार जेल में मिलने आ रही है, बार बार मिलने आ रही है, और मिलने आखिरकार वो आती किस लिए, मिलने आती आपसे मिलने नहीं कि वो आपका हाल चाल जानने के लिए आ रही, आप सब जानते हो, वो आपको धमकाने आती हैं जेल में कि इतना पैसा मुझे तुम अपने घर वालों से दिला दो वरना तुम्हें हम कभी बाहर नहीं आने देंगे, तुम जिंदगी भर यहीं सड़ोगे और यहीं सड़ते सड़ते मर जाओगे, तुम्हारी बेल हम कभी नहीं होने देंगे, वरना इतना पैसा आप मुझे दे दीजिए। तो एक्सटॉर्शन करने वाली झूठी पार्टी ने, जो पहले उसको पैसे नहीं मिले उसने आपके ऊपर FIR लिखा दी, अब आप जेल में हैं वहां पर भी जाके प्रेशर डाल रहे हैं कि बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि आप जनरली 3-4 महीने जेल में बिता चुके होते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने वकील साहब के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे होते हैं, केस जितना भी आपका खराब हो या कितना सही हो उससे लेना देना नहीं, जब आप जेल में बंद हैं, निरुद्ध हैं, तो आपके सर पे प्रेशर आ जाएगा कि भैया इसको इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा वरना मेरी लाइफ हेल हो जाएगी, नरक हो जाएगी। तो आप इस चीज़ में डरिए मत, आप जेल में तो बंद है आज नहीं, बेल आपकी कल होनी होनी, और आप इसके साथ जो मिलने आ रही हैं इसी ग्राउंड को उठा के आप अपनी बेल करा सकते हैं। पूछिए कैसे, आप जो मुलाकात करने गई हैं आपसे मुलाकात की पर्ची निकलवाइए, मुलाकात की पर्ची उठाते हुए कोर्ट में अपनी बेल अर्जी में लगाइए और उनके कोर्ट को बताइए कि भाई साहब इनका एक्सटॉर्शन मुझे जेल भेजने के बाद भी नहीं रुका, ये मुझसे लगातार जेल आई मिलने के लिए, वहाँ पर भी मुझे धमकियाँ देती रही, वहाँ पर भी पैसे वसूली की चेष्टा करती रही और मुझे प्रताड़ित करती रही कि मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगी, तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर ये ग्राउंड आप अपनी बेल में उठाएंगे और आपके साथ एक्चुअल में अगर ऐसा हो रहा है कि कोई महिला जिसने आपके विरुद्ध 376 के मुकदमे लिखाए हैं वही आपसे जेल में मिलने आ रही है, तो आप इस ग्राउंड के बेसिस पर बेल डेफिनेटली पा सकते हैं। और एक चीज़ आपके पास और होगी, आप अपने घर वालों के माध्यम से उस महिला के विरुद्ध एक्सटॉर्शन का, धन उगाही का, धन वसूली का, धमकी का मुकदमा भी रजिस्टर करा सकते हैं उस मुलाकात की पर्ची के बेसिस पर ही, क्योंकि जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि ये मेरा बलात्कारी है, इसने मेरे विरुद्ध बलात्कार कारित किया है, उससे आपके मिलने जाने का कोई पर्पज नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो जा रही है, तो इससे क्लियर कट सिद्ध होता है, साबित होता है कि इस महिला के इंटेंशन में कहीं ना कहीं गलती है, वरना जिस व्यक्ति ने उनके साथ अपराध किया है उसको फूटी आग कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहेगा, उसका समाज बहिष्कार कर चुका है, आप क्या करने उसके पास जा रही हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है,
इस तरीके के कृत्य से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेफ कर सकते हैं और अपनी बेल भी पा सकते हैं। देखिएगा आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, अगर ऐसा कुछ है तो बताना मुझे ज़रूर, मैं उस पर एक स्टोरी पर, आपकी स्टोरी पर एक वीडियो क्रिएट करूँगा। उम्मीद है ये जानकारी समझ आई है, पसंद आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।